मुझे कोई बोलने का कोई अनुभव नहीं है। वैसे तो मैं भारत सरकार में अंडर सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी और 90 में एलएलबी भी किया दिल्ली यूनिवर्सिटी से। मैं सिर्फ जो आपने कहा 3 पॉइंट बताए थे, इसमें सिंपल बात ये होती है कि जैसे घेराव की बात वो साहब कह रहे थे कि हम पार्लियामेंटेरियन उनको साथ ना लें। आप एक बात मैं ये कहना चाहूँगा कि पार्लियामेंटेरियन से एक कमेटी कंसिस्ट होती है जो पार्लियामेंट्री कंसल्टेटिव कमेटी टाइप से होती है। उनके पास जब हमारे रिप्रेजेंटेशन पहुँचते हैं, जो भी आप कहीं भी रिप्रेजेंटेशन दीजिए, ऑल रिप्रेजेंटेशन हैव टू गो फॉर दी कंसल्टेटिव कमेटी इफ दैट कंसल्टेटिव कमेटी हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड। अगर उस पर बनाया जाता है कंसल्टेटिव कमेटी को तो सब वहीं पर पहुंचेंगे और उसके बाद में कंसल्टेटिव कमेटी कंसर्न ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरी और कंसर्न पर्सन जो डिपार्टमेंट का होता है उनको बुलाते हैं कि व्हाट इंफॉर्मेशन एंड एविडेंस हैव यू प्रोड्यूस बिफोर द कोर्ट ऑन दिस डिसीजन हैज बीन डिलीवर्ड। किस आधार पर कोर्ट ने ये डिसीजन दिया, क्योंकि कोर्ट से हमने अभी कहा था कि इम्पीचमेंट कर दें। इम्पीचमेंट करने के तरीका होते हैं, कोर्ट तो तभी डिसाइड करेगा व्हेनेवर देयर इज द एविडेंस एंड प्रूफ बिफोर द कोर्ट। अगर उसके सामने जो आर्गुमेंट होंगे उन्हीं में से आर्गुमेंट लेते हैं। ये बात अलग है कि वो अपने फिलोसफी का पॉइंट ऑफ व्यू से उनका इंटरप्रिटेशन दूसरा दे सकते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जब उन पार्ट्स को जो हम मेमोरेंडम के थ्रू देंगे या इसी तरीका से हमें जो भी देना है उसमें कुछ एविडेंस टाइप के होने ही चाहिए, तो पार्लियामेंटेरियंस को तो आप एक्सक्लूड नहीं कर सकते, करेंगे तो बहुत बड़े घाटे में रहेंगे। मैं इसलिए ऐसा कहना चाहता हूँ कि अभी आपको शायद पता होगा, याद होगा, एडवोकेट महोदय को तो निश्चित ही होगा कि एक इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2017 में एक डिसीजन किया था कि रिजर्वेशन में डिपार्टमेंट इज द यूनिट नॉट द यूनिवर्सिटी। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड इशू हो जाता है। डिपार्टमेंट को यूनिट काउंट कर रिजर्वेशन की सीटों को काउंट करना, पॉइंट काउंट करने, वहाँ से उनकी वैकेंसीज कम हो जाती है। एज ए होल अगर यूनिवर्सिटी को एक यूनिट काउंट किया जाता है तो रोस्टर पॉइंट पर उनके वैकेंसीज बढ़ जाती हैं। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जब ये डिसीजन दिया और बाद में इस पर सर्कुलेशन हैज बीन इशूड बाय द यूजीसी, यूजीसी ने सबको सर्कुलेशन भी सर्कुलेट भी कर दिया गया। तो मेरा ये स्पेसिफिकली इस पॉइंट पर मैं ये कहना चाहता हूँ, जब उन्होंने ये कर दिया तो आप उनसे लीगल ओपिनियन जो अटॉर्नी जनरल से ली गई वो कहता है कि नहीं, हम सर्कुलर को विड्रॉ नहीं कर सकते। ऐसा क्यों किया? क्योंकि कंसल्टेटिव कमेटी, वैसे ये डिपार्टमेंटल मैटर हो सकता है, आई डोंट नो वेदर इट इज कंसिडर्ड टू रिस्ट्रिक्ट और ऑफिशियल सीक्रेटरी एक्ट में आता है या नहीं आता, लेकिन मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो उन्होंने इसमें कहा कि आपको इसमें एसएलपी फाइल करना है, तो डिपार्टमेंट के पास में इस समय पर एसएलपी फाइल करने का एक मतलब एक प्रोसीजर चला हुआ है। तो मैं यहाँ पर ये इसी तरीका से सेम एनोलॉजी पर जब ये डिसीजन आया है तो इस पर भी डिपार्टमेंट के पार्ट पर एविडेंस प्रोड्यूस करना या इसी प्रकार के कुछ डाटा देने में इन्होंने निश्चित रूप से लापरवाही की होगी। ऑन दैट बेसिस कोर्ट ने, ये तो मैं पहले ही कह चुका कि उनकी अपनी एक फिलॉसफी होती है, उस फिलॉसफी से मतलब इफेक्ट होने के बाद में एक जज अपने डिसीजंस को देते हैं। तो मैं सिंपल इतना ही कहना चाहूंगा, बोलिए सर, बोलिए बोलिए, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि इस तरीका इस केस में भी और सभी केस में रिप्रेजेंटेशन तो जरूर दें, लेकिन अगर आपके पास कुछ स्पेसिफिक डाटा या कोई इंसिडेंट है तो उस टाइप को भी उसमें दें। अच्छा, मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि जब एसएलपी फाइल करने मतलब डिपार्टमेंट एसएलपी फाइल करेगा तो फिर भी वो ये देखेगी इसमें क्या एविडेंस है, क्या एक्चुअल एविडेंस है, क्या सिंपल दिमाग के आधार पर कि यहाँ इमेजिनेशन के आधार पर कि मिसयूज हो रहा है ऐसा मान लिया जाए, नहीं उसके लिए क्या क्या है वो चीज़ें सबके सामने से आनी चाहिए और ये चीज़ इंसिस्ट करनी है। मेरा एक रिक्वेस्ट ये है जो मैंने अभी पहले केस का नाम बताया, इन फैक्ट डिपार्टमेंट में ये हलचल है कि एसएमपी को ड्राफ्ट करने के लिए कौन ऑफिसरों को अपॉइंट किया जाए।
जितने भी ऑफिसर उन चीजों में इन्वॉल्व होते हो जनरली ब्राह्मण मतलब आई मीन टू से जो जनरल का मनुवादी विचारधारा से प्रेरित होते हैं उनके कहीं ना कहीं उनमें विचार इम्बीब्ड होते हैं और वो उसको जैसे बाबा साहब ने कहा था शायद ये शब्द निश्चित ही कहा होगा मेरे को साइटेशन याद नहीं है कि एक डिसऑनेस्ट इंटेलेक्चुअल नाम का एक वर्ड होता है। डिसऑनेस्ट इंटेलेक्चुअलिटी क्या है कि ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स एंड एविडेंस इंटरप्रिटेशन को अपने स्वार्थ के अनुसार लोग ढाल देते हैं। इसको अगर डिसऑनेस्ट इंटेलेक्चुअलिटी को मैं दूसरे शब्दों में एक नई भाषा में कहूँ तो ये तरीका की शब्दों की भाषा की जगलरी होती है। जैसे जादूगर कहता है कुछ और अल्टीमेटली वो उसका सेंस बाद में कुछ और निकाल देता है। तो ऑन द सेम डिसऑनेस्ट जो इंटेलेक्चुअलिटी है वो हमारे इस समय पर सारे उसमें फैली हुई है। मैं तो खैर इस चीज़ में कुछ नहीं बता सकता। तो धन्यवाद सिंपल।